लखनऊ में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया, जहां अस्पतालों के आसपास से अतिक्रमण हटाया गया। इसके लिए 24 अस्पतालों को चिन्हित किया गया है। बता दें कि अतिक्रमण अभियान केजीएमयू सिविल अस्पताल के साथ अन्य अस्पतालों के पास चलाया जा रहा है। सभी ऐसे 26 अस्पताल छांटे गए हैं और पूरे जोन, सभी पांचों जोन्स में एक साथ ये अभियान चल रहा है, जो 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक लगातार चलेगा। 12 बजे तक का टाइम है और यदि किसी को एक्सटेंड करना पड़े तो आधे घंटे एक्सटेंड करेंगे। इसमें हम तीन प्रमुख चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं कि या जो परिसर के बाहर की है उसमें कोई बाहर की गाड़ियाँ अनावश्यक पार्क ना हो, दूसरा स्मूथ ट्रैफिक चलता रहे सब तरफ, तीसरा जो छोटे छोटे दुकानदार, पटरी दुकानदार, ये वो अतिक्रमण किए हुए हैं जिनको नगर निगम से वैध लाइसेंस प्राप्त नहीं है, फिलहाल उनको हटाएं। आज जो पेशेंट्स और उनको लेके आई हुई गाड़ियां हैं, हम उनको किसी का चालान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक समझाइश देकर छोड़ रहे हैं। इसी तरह से जितने दुकानदार जिन्होंने अपना सामान बाहर निकाला हुआ है, दुकानों को एक्सटेंड किया हुआ है, उनको भी आज हम केवल वार्निंग दे रहे हैं और इसके बाद यदि वो लगातार रिपीटेड ऑफेंस करते हैं तो हमारे पास 3-4 धाराएं हैं जिसमें हम चालान करते हैं। 34 पुलिस एक्ट का चालान होगा, 290 IPC का चालान होगा और 26 शहर नियोजन एवं विकास अधिनियम के तहत चालान होगा। तो ये हमारी आगे की कार्य योजना है। मुख्य उद्देश्य हमारा है कि लखनऊ की जनता बेहतरी महसूस करे, राहत महसूस करे और अस्पताल के पास आने वाले पेशेंट्स के लिए उसके जीवन के कीमती क्षणों में से एक भी समय, एक भी पल नष्ट ना हो।